हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा में। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC 2, और GOC 2 में हमें पढ़ना होता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स और उनके एप्लीकेशंस। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को हम लोग पढ़ चुके हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। अब हम लोग बात करेंगे उनके एप्लीकेशंस के बारे में। तो बेटा, जो एप्लीकेशंस तो बहुत सारे हैं, जैसे कि हमें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को चेक करना होता है तो ये एप्लीकेशन है, बॉन्ड लेंथ भी एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ये सारे एप्लीकेशंस जो कलेक्टिव मैनर में 13th बैच में हम पढ़ाते हैं, यहाँ पर हम वो एप्लीकेशंस उठा रहे हैं, उसकी सीरीज ही अलग होगी, वीडियोज़ की सीरीज अलग होगी। यहाँ पर हम वो एप्लीकेशंस उठा रहे हैं जो एप्लीकेशंस 12th से रिलेटेड हैं। तो 12th से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हमें पढ़ने हैं, वो जो दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनमें एक तो है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और दूसरी है बेसिक स्ट्रेंथ। तो फिलहाल हम एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ भी एक लेक्चर में ख़त्म नहीं हो पाएगी, तो आज जो हम लोग लेंगे वो एसिडिक स्ट्रेंथ को लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको इंस्ट्रक्ट कर दूं मैं कि अगर आपका इंडक्टिव और मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ा हुआ नहीं है ठीक से, तो आप इस एप्लीकेशन को समझ नहीं पाएंगे। तो पहले आपको क्या करना है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लेलिस्ट पे जाना है, वहाँ से इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, इनको ठीक से पढ़ना है, कैसे इन्हें अप्लाई करते हैं ये सीखना है, उसके बाद यहाँ पर आना है, ठीक है। या फिर आप इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी उन लेक्चर्स के लिंक ले सकते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए, ध्यान दीजिए, हमने बिल्कुल बेसिक से उठाकर चलते हैं, हमने कोई कंपाउंड लिया HA। देखो, एसिड वो होता है, बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई एसिड को डिफाइन करने के लिए, लेकिन एक बहुत कॉमन सी डेफिनेशन है कि जो H+ दे दे या जो प्रोटॉन दे दे वो क्या होता है, एसिड होता है। तो एसिड का जनरल रिप्रेजेंटेशन हम HA से ले रहे हैं, ये HA से ले लिया और इसको हमने तोड़ दिया इस तरीके से, H+ एक्वस सॉल्वेंट वाटर लिया यहां पर, और A नेगेटिव ये हमने एक्वस लिया। देखिए, इसे हम HA, ये रिप्रेजेंटेशन है एसिड का, और एसिड से जब H+ निकल जाता है तो यहां पर जो बनता है उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो ये बन गया कॉन्जुगेट बेस, ठीक है बेटा। ए नेगेटिव, ये कॉन्जुगेट बेस हो गया, एसिड हो गया। तो देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम अगर आपके पढ़े हुए हैं, अच्छी बात है, नहीं पढ़े हुए हैं तब भी काम चल जाएगा। जो भी रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, हर रिवर्सिबल रिएक्शन में हम लोग एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेते हैं, जैसे KC लेते थे, KP लेते थे, KX लेते थे, वैसे ही जब एसिड या बेस को तोड़ते हैं, आयनाइज कराते हैं, तो वहां का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो यहां का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड, KA से दिखाएंगे, KA इज इक्वल टू H+ इंटू A- और HA। तो ये के इसका हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट। भाई, ये तो फिक्स होता है, हर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिक्स होता है, पहले से ही गॉड गिफ्टेड होता है। तो अगर किसी दो एसिड्स हमारे पास हैं, अगर हम उनकी के वैल्यूज को कंपेयर करें, एक का KA1 है, एक का KA2 है, तो जिसका के ज्यादा होगा, जिसका के ज्यादा होगा, इसका मतलब ये रेशियो कैसा आएगा, ज्यादा, यानी वो ज्यादा डिसोसिएट होगा, ज्यादा एच पॉजिटिव देगा, और वो एसिड कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। तो एक सीधा सा स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, मोर द वैल्यू ऑफ के ए, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट जो एसिड का है वो अगर ज्यादा होगा,
इज स्ट्रॉन्गर द एसिड. तो के जितना ज्यादा होगा एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा. दूसरी बात, यहां पर आपको ये बात आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाई जाती है, एक पी के वैल्यू होती है. पी के वैल्यू होती है नेगेटिव लॉग ऑफ के. तो अगर के ज्यादा होगा, चूंकि ये नेगेटिव लॉग लेते हैं तब पी के निकल के आता है, तो अगर के ज्यादा होगा तो पी के कैसा आएगा, कम. तो क्या कहेंगे, मोर द के लेस द पी के इज स्ट्रॉन्गर द एसिड. के ज्यादा हो या के ज्यादा होगा तो पी के कैसा होगा, कम होगा. तो के वैल्यूज को भी कंपेयर करके आप बता सकते हो एसिड कौन सा अच्छा है. पी के वैल्यूज को भी कंपेयर करके आप बता सकते हो एसिड कौन सा अच्छा है. के ज्यादा होने पर एसिड अच्छा होगा और पी के कम होने पर एसिड अच्छा होगा. तो ये हो गया बेटा. लेकिन हमें क्वेश्चन इस तरीके से नहीं हमसे पूछा जाता है. ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एक एसिड ये है, दूसरा ये है, इसका के इतना है, इसका के इतना है, बताओ कौन अच्छा एसिड होगा. नहीं, क्वेश्चन ऐसे नहीं आता. क्वेश्चन में आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया होगा, मतलब स्ट्रक्चर दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं, और आपसे पूछेंगे क्या क्या पूछ सकते हैं. या तो पूछेंगे कौन अच्छा एसिड है, के नहीं दिया होगा ना पी के दिया होगा, डायरेक्टली आपको स्ट्रक्चर देख के बताना है कौन अच्छा एसिड है, पहली बात ये पूछ सकते हैं. या ये पूछेंगे किसका के ज्यादा है या कम है, या पूछेंगे किसका पी के ज्यादा है या कम है. तो मतलब कुल मिला के ये वैल्यूज नहीं देते हैं सब आपको, आपको स्ट्रक्चर्स देते हैं, और उन स्ट्रक्चर्स या नाम जो आपको देते हैं उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स लगाने होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट. और उन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के जरिए आप ये पता लगा लेते हो कि कौन अच्छा एसिड होगा, और फिर उसके बाद आप ये बता सकते हो आराम से कि किसका के ज़्यादा होगा या किसका पी के ज़्यादा होगा. तो ठीक है, ये हमने बताया आपको कि ये मतलब ये एक कॉन्सेप्ट होता है, बट आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इसके उल्टे पूछे जाएंगे. आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ होगा और आपसे पूछेंगे कौन अच्छा एसिड है या खराब है, या फिर आपसे पूछेंगे कि किसका के ज्यादा है या पी के ज्यादा है, इस तरीके से. तो चलिए, कैसे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि एसिड अच्छा होगा या खराब होगा. तो करना क्या है हमें, अगर दो एसिड्स हमें दिए गए और उनके एसिडिक करेक्टर को कंपेयर करना है, तो दो एसिड्स के एसिडिक करेक्टर को कंपेयर करने के लिए हम उनके कॉन्जुगेट बेसिस की स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं. किसको कंपेयर करते हैं, उनके कॉन्जुगेट बेस. जैसे जो एक कॉन्जुगेट बेस बना है, यहां तो जनरल ले लिया है, लेकिन जब आपके पास रियल स्ट्रक्चर होगा तो वहां से रियल कॉन्जुगेट बेस आपको मिल जाएगा. एसिड दिया गया है, आप एच पॉजिटिव निकाल दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, कॉन्जुगेट बेस. तो आपको अगर दो बेसिस के एसिडिक करेक्टर को कंपेयर करना है तो आप उनके कॉन्जुगेट बेसिस की स्टेबिलिटी को कंपेयर कीजिए. जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा वही, उसी के करेस्पॉन्डिंग एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा. तो लिखिएगा नई लाइन से, टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ टू एसिड्स, कॉमा लगा के, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ देयर कॉन्जुगेट बेसिस, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ देयर कॉन्जुगेट बेसिस, फुल स्टॉप के बाद, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज स्ट्रॉन्गर द करेस्पॉन्डिंग एसिड, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज स्ट्रॉन्गर द करेस्पॉन्डिंग एसिड. अब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है. कुल मिला के अब मुद्दा कहां पे आ गया, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है. अब कॉन्जुगेट बेस पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा. कॉन्जुगेट बेस पे चार्ज नेगेटिव है, बहुत सीधी सी बात है कि नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स यानी माइनस एम और माइनस आई स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, और अगर ग्रुप्स प्लस एम और प्लस आई हैं तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को घटाएंगे. तो लिखिएगा नई लाइन से, As we know, conjugate base is negatively charged. Conjugate base is negatively charged. Hence,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ब्रैकेट में माइनस एम माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स माइनस एम माइनस आई विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस एंड ऑल्सो द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ करेस्पॉन्डिंग एसिड. वेयर एज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, ब्रैकेट में प्लस एम कॉमा प्लस आई, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स विल डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस एंड ऑल्सो द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ करेस्पॉन्डिंग एसिड. तो कॉन्जुगेट बेस बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली एसिड में ही देख लिया जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स अटैच हैं तो वो एसिडिक करेक्टर को घटा रहे होंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच हैं तो वो एसिडिक करेक्टर को बढ़ा रहे होंगे. कितनी जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो ये डिपेंड करेगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है. तो दोनों तरीके से हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, पहले कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से, और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट बेस को बनाना ही बंद कर देंगे, सीधे सीधे एसिड से ही आपको सिखा देंगे कि कौन अच्छा है और कौन खराब है. बस इतना याद हो गया अगर आपको कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक करेक्टर को बढ़ाएंगे और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स एसिडिक करेक्टर को घटाएंगे, इतना काफी है. तो चलिए हम कुछ कंपाउंड्स लिख लेते हैं, उनको हम एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में भी लिखना चाहें उसमें लिख सकते हैं, और फिर थोड़ा थोड़ा उनको हम एक्सप्लेन करेंगे. देखिए बेटा यहां पर हम कुछ कंपाउंड्स यहां से लेकर के चल रहे हैं क्योंकि वहां जगह कम पड़ जाएगी. देखिए अगर हम केवल ट्वेल्थ के अकॉर्डिंग लें तो देखो ध्यान दो, हमने यहां पर सबसे पहले लिया, शुरुआत करते हैं हम अमोनिया, जरूरत पड़ेगी अमोनिया. ये हम इधर एसिड ले रहे हैं और एसिड भी जो हम लेंगे वो इधर की तरफ जाएंगे तो उनका उनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, और यहां पर हम ले रहे हैं उनका कॉन्जुगेट बेस. अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस होगा NH2 नेगेटिव. अमोनिया से अच्छा एसिड होता है एल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा. इससे भी अच्छा कॉन्जुगेट बेस होता है इससे भी अच्छा एसिड होता है एल्कोहल, इसका कॉन्जुगेट बेस बना RO नेगेटिव, इसको हम कहते हैं एल्कोक्साइड आयन. जैसे कि अगर यहां पर R की जगह CH3 होता तो हम बोलते मिथॉक्साइड, C2H5 होता तो हम बोलते इथॉक्साइड. इससे भी अच्छा एसिड होता है वाटर, वाटर का जो कॉन्जुगेट बेस बनता है इसको हम बोलेंगे, नीचे आ गया ये, हाइड्रोक्साइड आयन. वाटर से भी अच्छा एसिड है ये कंपाउंड होता है बेटा फिनॉल, इसका कॉन्जुगेट बेस होगा H निकाल लिया तो O पे आ गया चार्ज नेगेटिव, इसको बोलेंगे फिनोक्साइड आयन. एक एसिड हम इनऑर्गेनिक ले रहे हैं यहां पे, कॉन्जुगेट बेस से मतलब नहीं है, H2CO3. फिनॉल से भी अच्छा एसिड होता है कार्बोनिक एसिड, ये अलग से ले लिया हमने H2CO3, कार्बोनिक एसिड नाम लिखा है इसका. जरूरत क्या है आगे आपको पता लगेगा, इनऑर्गेनिक है कॉन्जुगेट बेस नहीं बना रहे हैं, कॉन्सेप्ट अलग होते हैं. इससे भी अच्छा एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड,
ये है RCOOH, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो होगा RC डबल बॉन्ड O और O पे नेगेटिव, इसे कहते हैं हम कार्बोक्सिलेट आयन। और इससे भी अच्छा एसिड होता है जो HCl वगैरह है, जिसको हम लोग कहते हैं मिनरल एसिड, ये होते हैं HCl है, H2SO4 है, ये सब और अच्छे एसिड्स होते हैं। ये भी इनऑर्गेनिक में आ गया, तो ये तो इनऑर्गेनिक में है, इसको हम अलग कर लेते हैं, बस बता दिया आपको ये इनऑर्गेनिक है, इसको अलग कर लेते हैं। जो हमें कंपेयर करना है वो ऑर्गेनिक एसिड्स को कंपेयर करना है, ध्यान देना बेटा। थोड़ा सा आपको हम पहले शुरुआत का पोर्शन बता दें, फिर यहां से तो हमें काफी कुछ एलेबोरेट करना पड़ेगा। शुरुआत का पोर्शन ये है कि यहां कार्बन पे नेगेटिव है, यहां नाइट्रोजन पे नेगेटिव है। तो आपको बताया था, पहले लिख दें थोड़ा सा, यहां से यहां जा रहे हो तो क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस बढ़ रही है, इंक्रीजेस, हेंस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ करेस्पॉन्डिंग एसिड्स इंक्रीजेस। थर्टीन में भी यही सब होते हैं, मतलब 12th पास आउट वालों के लिए भी यही पढ़ने होते हैं, इसके अलावा और कुछ पढ़ना नहीं होता है ज्यादा। तो देखो बेटा, अमोनिया से अच्छा एसिड एल्काइन क्यों है? वैसे तो आप लोगों का इन जनरल पढ़ा हुआ है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो नाइट्रोजन पे इन जनरल अगर हम बात करें तो कार्बन पे एक बार ही नेगेटिव है, और एक बार ये नेगेटिव चार्ज है, और एक बार नेगेटिव चार्ज किस पे है, नाइट्रोजन पे। मान लो यहां भी हाइड्रोजन अटैच है ऐसे करके, और यहां भी ये हाइड्रोजन अटैच है, दो नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। तो मतलब NH2 नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा किससे, CH3 नेगेटिव से। लेकिन फिर भी यहां पर ये ज्यादा स्टेबल दिखाया हमने कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन जनरल किसकी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की। बेटा एक्चुअली ये कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है, कार्बन जब ट्रिपल बॉन्डेड होता है तो कार्बन का एस करेक्टर बढ़ जाता है। तो अगर आप इस चीज को मेंशन करना चाहें, व्हेन कार्बन इज ट्रिपल बॉन्डेड इट्स एस करेक्टर इंक्रीजेस, विद इंक्रीजिंग एस करेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ करके नाइट्रोजन से कैसी हो जाती है, ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की फिक्स या कॉन्स्टेंट नहीं होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस एंड इट बिकम्स मोर देन नाइट्रोजन, हेंस इसको बोलेंगे इथाइनाइड आयन। इथाइनाइड आयन इज मोर स्टेबल देन अमाइड आयन, इथाइनाइड आयन इज मोर स्टेबल देन अमाइड आयन, हेंस इथाइन यानी एसिटाइलीन इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अमोनिया, राइट। सब एसिड हैं, सब बेस हैं। एक्चुअली वैसे आपने पढ़ा होगा अमोनिया बेस होता है, यहां पर हम एसिडिक करेक्टर देख रहे हैं, एक्चुअली यहां पर हम कंपेरेटिव देख रहे हैं, ठीक है। अब उससे भी अच्छा एसिड कौन है, एल्काइन से भी अच्छा है एल्कोहल, क्योंकि यहां नेगेटिव चार्ज किस पे है, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा होती है। तो आप ये भी लिख सकते हैं एल्कोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन इथाइनाइड आयन, बिकॉज इन एल्कोक्साइड आयन नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, राइट। तो ये यहां तक हो गया, तो यहां तक तो कुछ ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये हमने हटा दिया इसको, ठीक है। इसके बाद के जो बचे हुए हैं इनको हमें कंपेयर करना पड़ेगा, और ये हमसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहां पर हमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को अब यूज करना है, तो कहां कहां इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को यूज करना है ये हम आपको थोड़ा सा बता दें, इसको बंद करते हैं। एक तो हमने लिया एल्कोहल को और इसका हमने कॉन्जुगेट बेस बनाया आर ओ नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव, ये एल्कोहल हो गया। एल्कोहल के बाद हमने लिया वाटर को, इसका हमने कॉन्जुगेट बेस बनाया हाइड्रोक्साइड आयन प्लस यहां पर एच पॉजिटिव, नाम दोबारा नहीं लिख रहे हैं, हम एक बार लिख चुके हैं वहां पे। फिर हमने बनाया फिनॉल को, फिनॉल का जो कॉन्जुगेट बेस बनाया वो है ओ नेगेटिव, ये फिनॉक्साइड आयन है।
एच पॉजिटिव, चलो यहां दिखा देते हैं बेटा, यहां पर रेजोनेंस होता है। देखो नेगेटिव चार्ज ये दिख रहा है आपको, थोड़ा बड़ा करके बना देते हैं। ये फिनॉल हो गया, माइनस एच पॉजिटिव कर दिया, ओपे नेगेटिव, ये फिनोक्साइड आयन है, यहां रेजोनेंस है, ये नेगेटिव चार्ज यहां आएगा और ये यहां आएगा। तो इसके जो चार स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो हम चारों डायरेक्टली आपको बना के दिखा देते हैं। नेगेटिव यहां आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, जो कि आपको बहुत पहले पढ़ाया जा चुका है। फिर नेगेटिव कहां आएगा, फिर मीजोमेरिक इफेक्ट में पढ़ाया था, फिर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड ओ हो गया, ये हो गया जगह कम होने की वजह से छोटा सा बनाया ये हमने डबल हेडेड एरो, डबल बॉन्ड ओ। अब ये यहां आएगा, फिर ये यहां नेगेटिव चार्ज यहां पहुंचेगा, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, नेक्स्ट होगा डबल बॉन्ड ओ, ये नेगेटिव चार्ज यहां। तो नेगेटिव चार्ज कहां कहां पे आता है, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे। ये तो हमने लिया फिनोक्साइड आयन। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लें तो एच पॉजिटिव निकालने के बाद यहां पर जो बनता है आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओपे नेगेटिव, इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। ये ऐसे आएगा और ये ऐसे जाएगा, इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा इस ओपे नेगेटिव और डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, इस तरीके से ये हमने चारों को बना लिया। अब ध्यान देना, आपसे पूछे अगर एल्कोहल खराब एसिड क्यों है वाटर से, या वाटर अच्छा एसिड क्यों है, तो ध्यान देना, नेगेटिव ऑक्सीजन पे यहां भी है, यहां भी है, फिनोक्साइड में भी नेगेटिव ऑक्सीजन पे ही है, और जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसमें भी जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे है, ऑक्सीजन पे ही है। उसके बाद भी ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो एल्कोक्साइड आयन से ज्यादा स्टेबल हाइड्रोक्साइड आयन, उससे ज्यादा फिनोक्साइड आयन, और उससे भी ज्यादा कार्बोक्सिलेट आयन। तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, अब हमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स लगाने होंगे। यहां पे देखेंगे, जब हम यहां पे देखेंगे तो अगर हम बिल्कुल अलग से कंपेयर करें आर ओ नेगेटिव और एच ओ नेगेटिव को, तो ओ नेगेटिव इतना पार्ट तो हो गया। इसको देखो आप, ये प्लस आई ग्रुप है और ये भी प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई ग्रुप्स क्या करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर को घटाते हैं। कौन बेटर प्लस आई है, जो एल्काइल ग्रुप है वो बेटर प्लस आई है, इसलिए ये कम स्टेबल होगा एल्कोक्साइड आयन देन हाइड्रोक्साइड आयन। दैट्स वाई एल्कोहल इज वीकर एसिड देन वाटर। तो लिखिएगा बेटा, ड्यू टू मोर प्लस आई स्ट्रेंथ ऑफ आर, ड्यू टू मोर प्लस आई स्ट्रेंथ ऑफ आर देन एच, ड्यू टू मोर प्लस आई स्ट्रेंथ ऑफ आर देन एच, एल्कोक्साइड आयन इज लेस स्टेबल देन हाइड्रोक्साइड आयन, हेंस एल्कोहल इज वीकर एसिड देन वॉटर, एल्कोहल इज वीकर एसिड देन वॉटर। अब अगर हम बात करें, इसकी तो बात ही खत्म हो गई, अब हम फिनॉल और वाटर को कंपेयर करेंगे। तो आपको दिख रहा है कि फिनोक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से वहां पे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जाता है, और जब चार्ज डीलोकलाइज हो जाता है तो मीजोमेरिक इफेक्ट में मैंने आपको बताया था चार्ज के डीलोकलाइजेशन से चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होगा हाइड्रोक्साइड आयन से, इसलिए फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन वॉटर। तो लिखिएगा, इन फिनोक्साइड आयन, ये है फिनोक्साइड आयन, लिखाया था हमने यहां कहीं पे ये, इन फिनोक्साइड आयन नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड बाई मीजोमेरिक इफेक्ट, नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड बाई मीजोमेरिक इफेक्ट, हेंस फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन हाइड्रोक्साइड आयन, एंड फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन वॉटर। ये हो गया बेटा जी। अब क्या होता है देखना,
ध्यान दें, फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस, कार्बोक्सिलेट आयन में भी रेजोनेंस। यहां चार स्ट्रक्चर और यहां केवल दो स्ट्रक्चर, उसके बाद भी ये कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल है। क्यों? इसको आप एक एग्जांपल लेकर के समझ सकते हो। सपोज दैट ये कोई मैच चल रहा है, मान लेते हैं कि जो मैच चल रहा है वो टेनिस का है। एक प्लेयर हैं इधर टेनिस में, कौन अच्छे प्लेयर हैं ये तो याद भी नहीं आ रहा टेनिस में जो, हाँ चलो मान लेते हैं कि एसएम हैं, कोई एसएम साहब हैं, सानिया मिर्जा जी हैं, और इनके साथ जोड़ी जो बनी हुई है वो लिएंडर पेस की है। दो लोग इधर से खेल रहे हैं और इधर हमने महेश भूपति को ले लिया और उसके साथ में हमने तीन चार लोग और खड़े कर दिए, मतलब इधर दो लोग हैं और इधर हमने तीन लोग और खड़े किए, टोटल चार ले लिए। चार कौन कौन से लिए? एक महेश भूपति हैं और टेनिस के मामले में हमने यहाँ पर इनके साथ खड़ा कर दिया है, मान लेते हैं सचिन तेंदुलकर को खड़ा कर दिया, साथ में यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी हैं, या चलो उनको क्यों लोगे, हो सकता है वो लोग अच्छा खेलते हों। एक मैं खड़ा हो गया यहाँ पे, मनोज शर्मा, दूसरे आप खड़े हो गए जो भी आप हैं, और तीसरे एक और कोई अपने दोस्त को आप खड़ा कर लो। यहाँ पर ये चार लोग हैं जो कि ये नहीं खेल पाते हैं। अच्छा, तो अब होगा क्या, यहाँ पर जब इधर की तरफ जब स्ट्राइक जाएगा, स्ट्राइक का मतलब जब वॉल जाएगी, तो ये भी अच्छे से हैंडल कर लेंगे, ये भी अच्छे से हैंडल कर लेंगे, उसको गिरने नहीं देंगे। इधर क्या होगा, महेश भूपति जी तो इसको अच्छे से हैंडल करेंगे, लेकिन जब इन लोगों के पास पहुंचेगी तो वो क्या होगा, वहां पर ड्रॉप हो जाएगी। बिल्कुल सेम यही हो रहा है यहां पे। एक बार तो चार्ज ऑक्सीजन पे है, मतलब महेश भूपति पे है, तो वो तो उसको स्टेबल किए हुए हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की। और तीन बार चार्ज कहां जा रहा है, कार्बन कार्बन कार्बन। जब कार्बन के पास चार्ज पहुंच रहा है तो उस पर अटैक करना कैसा हो जाएगा, आसान। तो वो स्टेबल नहीं है, भले ही चार स्ट्रक्चर हैं बट ये तीन क्या करेंगे, ये तीन उसको आसानी से क्या करेंगे, अपने चार्ज को लुटवा देंगे, कहेंगे भैया ले जाओ इलेक्ट्रॉन अटैक करो। लेकिन यहां पर भले ही दो लोग हैं लेकिन दोनों बार चार्ज किस पे डिलोकलाइज हो रहा है, अच्छे प्लेयर्स पे। इनफैक्ट दोनों बार किस पे डिलोकलाइज हो रहा है, ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज हो रहा है। तो आपको यहां पर ये लिखना होगा, फिनोक्साइड आयन हैज फोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड कार्बोक्सिलेट आयन ओनली टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, येट कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोक्साइड आयन बिकॉज इन कार्बोक्सिलेट आयन नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड, नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड बिटवीन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स, बिटवीन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स, ये होता है बेटा इसका रीजन। तो इस तरीके से, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। कुछ यहां से हल्के फुल्के क्वेश्चंस जो बन सकते हैं यहां से वो हम आपको बता रहे हैं। अभी तो हम कंपाउंड्स की सीरीज को कंपेयर कर रहे थे। देखिए एक ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आप लिख लो पहले। क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स गिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट वेयर एज फिनॉल डज नॉट गिव दिस टेस्ट, व्हाई। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाइकार्बोनेट टेस्ट देते हैं, इस बात का मतलब क्या है जरा समझना। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ध्यान देना बेटा, जो NaHCO3 है ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड में दो हाइड्रोजन्स को हम रिप्लेस करा सकते हैं मेटल से, एक रिप्लेस करा दिया, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब देखो यहां क्या होता है, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं वरना ये आ नहीं पाएगा यहां पे। ये हमने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH प्लस NaHCO3। अब यहां पर होता क्या है ध्यान देना,
कार्बोक्सिलिक एसिड अपना सोडियम सॉल्ट बना लेता है RCOONa प्लस, ये बनता है H2CO3 और हीट तो निकलती है, हीट निकलने की वजह से H2CO3 टूट जाता है किसमें, H2O प्लस CO2, और CO2 की ब्रिस्क इफर्वेसेंस मतलब तेजी से सनसनाहट के साथ ये गैस निकलती है CO2 यहां पर, और यही होता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, कैसे, आपको अगर ये टेस्ट करना है कि फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है तो टेस्ट ट्यूब में जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है वो लिया जाएगा और उसमें क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का एक्वो सोल्यूशन डालेंगे, अगर सनसनाहट के साथ कोई गैस निकल रही है जो कि कलरलेस है, ऑडरलेस है, मतलब ना तो स्मेल है ना कलर है, ऐसी कोई गैस निकल रही है तो वो CO2 होती है, इसका मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, कार्बोक्सिलिक। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये इसको और इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो कार्बोनिक एसिड है वो कैसा है, वीक एसिड है। तो ऐसी रिएक्शन पॉसिबल है कि कोई सॉल्ट है, सॉल्ट के अंदर जो एसिड मौजूद है वो वीक है और जो जो उसके टच में आ रहा है वो स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग एसिड क्या करेगा, अपना सॉल्ट बना लेगा और वीक एसिड को क्या करेगा, वहां पर रिप्लेस कर देगा। तो स्ट्रांग वीक को रिप्लेस कर सकता है, वीक स्ट्रांग को रिप्लेस नहीं कर सकता। अच्छा, अगर हम बात करें, हम ये उम्मीद करें कि फिनॉल को ले लिया जाए, ये हमने फिनॉल लिया और यहां हमने सोडियम वाई कार्बोनेट लिया NaHCO3, तो कुछ ऐसी रिएक्शन की अगर उम्मीद की जाए जो ऊपर हुई थी वो यहां नहीं होगी क्योंकि फिनॉल इज वीकर एसिड देन कार्बोनिक एसिड, ये लिखा हुआ है। तो आपको आंसर में क्या देना है, ये रिएक्शन देनी है, फिर आपको देना है कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोनिक एसिड, हेंस कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स सोडियम वाई कार्बोनेट टेस्ट, फुल स्टॉप के बाद। फिनॉल इज कैसा, स्ट्रॉन्गर बीकर, क्या बताया था मैं, फिर से आप लिख लीजिए, चेक कर लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोनिक एसिड, हेंस कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स सोडियम बाई कार्बोनेट टेस्ट, ब्रैकेट में ब्रिस्क इफर्वेसेंस ऑफ CO2, फुल स्टॉप के बाद। फिनॉल इज वीकर एसिड देन कार्बोनिक एसिड, हेंस इट कैन नॉट गिव बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो ये एक IIT में क्वेश्चन पहले आ चुका है, क्वेश्चन ये आया है, क्वेश्चन लिख लीजिए सीधे सीधे, क्वेश्चन है फिनॉल इज सॉल्युबल इन NaOH, फिनॉल NaOH में घुल जाता है, फिनॉल इज सॉल्युबल इन NaOH बट एल्कोहल इज नॉट सॉल्युबल, व्हाई। तो देखो ये सॉल्युबिलिटी किस बेसिस पे समझाई गई है, जो फिनॉल है अगर हम इसे NaOH के साथ टच में लाएं तो ये रहा NaOH, आ गया इसके टच में और यहां पर बनता है ये सोडियम फिनॉक्साइड ONa, O पे नेगेटिव, Na पे पॉजिटिव, प्लस वाटर, और ये रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और वाटर कैसा है, वीक एसिड। अगर हम बात करें एल्कोहल की ROH और इसे हम NaOH में लाएं और हम बिल्कुल यही उम्मीद करें कि RO नेगेटिव Na पॉजिटिव बन जाए प्लस H2O हो जाए, तो आपको बता दें वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये वीक होता है, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो आप इसका आंसर यही लिखेंगे, फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, हेंस इट इज सॉल्युबल इन NaOH ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड। एल्कोहल इज वीकर एसिड देन वॉटर, हेंस इट इज इनसॉल्युबल इन NaOH। तो ये बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा, एसिडिक करेक्टर, जो हमारे सिलेबस में कंपाउंड्स हैं जहां जहां एसिडिक करेक्टर होता है, 12th में हैलोजन डेरिवेटिव, वहां तो है नहीं एसिडिक करेक्टर, एल्कोहल है, फिनॉल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एसिडिक करेक्टर शो करते हैं, तो इनके एसिडिक करेक्टर को हमने आपस में कंपेयर किया। अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड होगा, उसमें हम एल्कोहल्स, एक एल्कोहल दूसरा एल्कोहल, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इनके एसिडिक करेक्टर को कंपेयर करेंगे, एक एल्कोहल दो कार्बन का, एक चार कार्बन का, या दोनों दो कार्बन के लेकिन यहां NO2 ग्रुप लगा है, यहां मिथाइल ग्रुप लगा है एक और, तो उनके एसिडिक करेक्टर में एसिडिक करेक्टर किसका ज्यादा होगा, तो एल्कोहल्स का एसिडिक करेक्टर आ जाएगा, ऐसे फिर फिनॉल्स में आ जाएगा, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आ जाएगा, हम लोग उसको कंपेयर करेंगे।
तो एक लेक्चर, एटलीस्ट एक लेक्चर, एटलीस्ट देखते हैं एक में खत्म होता है या दो में, क्योंकि हम 40 मिनट से ऊपर का लेक्चर नहीं बनाएंगे। एटलीस्ट एक लेक्चर तो और आएगा एसिडिक करेक्टर का, लेकिन आज वाला लेक्चर आप पहले तैयार कर लें इसको। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, केमिस्ट्री आपको पूरी यहाँ पर मिलेगी पढ़ने को। और लेक्चर्स अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।